एयरटेल का एंटीना लगा है और ये साइड में एक एंटीना लगा है, तो साइड वाला एंटीना सन डायरेक्ट पे है और एयरटेल का एंटीना डीडी फ्री डी एलएनबी का स्क्रू एंगल दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ये वाली पोजीशन हम पे हम लगाएंगे तो यहाँ पर वर्टिकल दोस्तों विभिन्न सैटेलाइटें होती हैं और विभिन्न सैटेलाइटों पर डीडी फ्रीडिस के अलावा भी बहुत सारे चैनल हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया में आपको एयरटेल, वीडियोकॉन, सन डायरेक्ट आप लोगों को घरों की छतों पर देखने को मिलता है। वहाँ पर आप देखते हैं कि एंटीना अगर मान लो एयरटेल का है लगा है तो उसका रुख जो है वो दूसरे साइड में है, सन डायरेक्ट का दूसरे साइड में है, डीडी फ्रीडिस का हल्का सा दूसरे साइड में है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों एंटीने को कहने का मतलब यह है कि हमें घुमाना पड़ता है विभिन्न सैटेलाइटों पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जिस सैटेलाइट पर सेट करके दिखाने जा रहे हैं वो सैटेलाइट का नाम हम आपको आगे बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और वैसे थंबनेल पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कौन सी सैटेलाइट है। तो दोस्तों उसका जो एंटीना का रुख है वो कुछ इस प्रकार से है और एंटीना जो है दोस्तों ये पूरा स्ट्रेट है, स्ट्रेट से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा हुआ है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर है। दोस्तों हमें एंटीने का सिग्नल मिलाने के लिए एक सैटेलाइट फाइंडर की ज़रूरत पड़ती है, या तो दोस्तों हम सेटअप बॉक्स में डायरेक्ट कनेक्शन लगा कर दोस्तों एंटीने का वायर लगा कर भी सिग्नल मिला सकते हैं। तो दोस्तों हम जो सैटेलाइट को आप लोगों को यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं ये है लाओसेट 128 डिग्री ईस्ट एलएनबी का स्क्रू एंगल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर आपका एलएनबी का स्क्रू एंगल ऐसे है, सामने से लेफ्ट साइड में है इसमें, तो ये वर्टिकल मोड पे आएगा और अगर ये एलएनबी इधर घूम जाती है तो ये हॉरिजेंटल मोड पे आएगा। तो हम ऐसे ही करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंटीने के सामने हूँ तो हो सकता है सिग्नल हमें कम मिले, तो यहाँ पर आप लोगों को वॉइस सुनाई दे रही होगी, यहाँ पर हमें सिग्नल यहाँ पर मिल चुका है। चूँकि मैं एंटीने के सामने हूँ तो यहाँ पर एंटीने के ये देखिए मैं आगे आया, सिग्नल चला गया। ये शायद आप लोगों को दिख रहा हो, मैं इसे जूम क्लोजअप में इसकी शॉट लेकर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका एंगल अगर हमारा वर्टिकल है तो कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ पर ये देखिए हॉरिजेंटल मैंने किया तो ये सिग्नल गायब हो गया, तो मुझे इसमें भी हॉरिजेंटल करना होगा। अब दोस्तों बात ये है कि यहाँ पर हमें चैनल कौन कौन से मिलते हैं। दोस्तों ये जो लाओसेट 128 डिग्री ईस्ट जो सैटेलाइट है ये एक सब्सक्रिप्शन वाली सैटेलाइट है, जहाँ पर इसका एक स्पेशल सेटअप बॉक्स आता है, उसके माध्यम से हम देख सकते हैं बहुत सारे चैनल का को पैसे भुगतान करके। मगर दोस्तों इसे आप नॉर्मल वाला जो डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर HD वाला जो होता है उसके माध्यम से भी दोस्तों आप लगा कर देख सकते हैं। यहाँ पर वक्त वक्त पे दोस्तों बहुत सारे चैनल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों अभी स्टार इंडिया नेटवर्क के कई एक चैनल देखने को मिल रहे थे, लेकिन दोस्तों आज अभी कुछ देर पहले की अपडेट है कि अभी दो चैनल यहाँ पर FTA हैं। मगर दोस्तों इन दो चैनल के अलावा भी यहाँ पे 30 से 35 TV चैनल हमें देखने को मिलते हैं। एंटीने का मैं बैक साइड का अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखलाऊँगा, LNB का पूरा रोटेशन भी दिखलाऊँगा। ये जो हमारी डिश है दोस्तों, इस डिश पे दोस्तों हमें दुनिया भर के TV चैनल देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम आप लोगों को दिखा रहे हैं इसके बैक साइड में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका स्क्रू एंगल LNB का जो पीछे का जो पोर्शन है वो कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी डिश में नंबर लिखा होगा इस बोल्ट के पास, इस पर भी लिखा था, खैर मैंने पेंट किया है तो हट गया है। तो दोस्तों ये 30 से 35 के आसपास में ये होगा। मैं दूसरे एंटीने पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये जो डिश है हमारी एयरटेल की है और ये लगी है डीडी फ्रीडिस पे, और इसके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 50 से 60 के बीच में है, तो यानी कि अगर ये नीचे झुकती है तो यहाँ पे आएगी 30 से 35 के आसपास में आएगी। हम फिर अपने उसी पुरानी डिश पे आ चुके हैं जिस पे हमने लाओसेट 128 डिग्री ईस्ट को सेट किया है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक बार और इसको। अब दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को ये एंटीना दिखा देते हैं, इस एंटीने को आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। इस एंटीने को देखने के बाद आपको एक सामने सन डायरेक्ट का एंटीना दिख रहा है, ये एंटीना लगा हुआ है 40 डिग्री ईस्ट पे। उसके जस्ट बगल में ये जो एयरटेल का एंटीना लगा है और ये साइड में एक एंटीना लगा है, तो साइड वाला एंटीना सन डायरेक्ट पे है और एयरटेल का एंटीना DD फ्री डिश पर लगा हुआ है। अब इसी के हिसाब से आप इनकी पोजीशन को पता कर सकते हैं कि कितना पोजीशन यहाँ पर है।
एलएनबी की स्क्रू एंगल की बात करें, एलएनबी की स्क्रू एंगल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा एलएनबी का स्क्रू एंगल। और एलएनबी का स्क्रू एंगल दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ये वाली पोजीशन हम पे हम लगाएंगे तो यहाँ पर वर्टिकल पे इस सैटेलाइट पर चैनल आ रहे हैं, ये देखिए चैनल आवाज़ सुनाई देने लगा। और यहाँ पे अगर हम ऐसे कर देते हैं तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो अब आइए, हमारे पास ये लगा हुआ है, यहाँ पर हम आप लोगों को पूरा संक्षेप में समझा देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ये देखा आप लोगों ने। और इसे हम यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल पे मैंने किया है, अब ये मैंने एच कर दिया। यहाँ पर आप देखिए सिग्नल आ गया, एंटीने के सामने खड़े हैं लेकिन सिग्नल कम है। फ्रीक्वेंसी आप लोग देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी आपकी यही रहने वाली है और इसी फ्रीक्वेंसी पे आप लोग सेट कर सकते हैं। एक बार और हम आप लोगों को इसे दिखा देते हैं, ये देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।